सर R3 माइनस R1 होना चाहिए, और आर थ्री चेंजेस टू आर R3 थ्री माइनस R1। आर वन, तो बताओ कि ये फर्स्ट रो तो एज ही रहेगी। अच्छा, बाहर तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखना ही है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पहला कॉलम तो अल्फा अल्फा स्क्वायर और वन रहेगा। सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, सेकंड रो क्या हो जाएगी, बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, और यहाँ सर हो खोल जाएगा। लीजिए इसको, लीजिए इसमें बीटा प्लस हाँ अल्फा हाँ पे बीटा माइनस अल्फा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एक बार मैं वापस से शेयर करूँगा। तो इसमें मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में, वापस बता दो एक बार है। हाँ ठहरो, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले कॉलम थ्री चेंजेस टू कॉलम थ्री प्लस कॉलम वन किया, तो कॉलम थ्री क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन निकालने के बाद जो थर्ड कॉलम था उसमें वन 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 बन गया। अब उसमें दो जीरो कैसे बनाए, आर टू चेंजेस टू आर टू माइनस आर वन, और आर थ्री चेंजेस टू आर थ्री माइनस आर वन किया। अब क्या किया कि हमने दो जीरो तो बन चुके हैं, अब हमने सेकेंड रो में से अल्फा माइनस बीटा कॉमन लिया और थर्ड रो में से भी गामा माइनस अल्फा, बल्कि सेकेंड रोज में बीटा माइनस अल्फा मानो कॉमन लिया, पर उसको बाहर लिखते टाइम हमने माइनस वन कॉमन और अल्फा माइनस बीटा कर दिए। तो फिर क्या रह जाएगा, फर्स्ट रो तो अल्फा अल्फा स्क्वायर वन, सेकेंड रो में वन अल्फा प्लस बीटा जीरो, थर्ड रो में वन गामा प्लस अल्फा जीरो। सर यहाँ से एक बार, फिर हाँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन ले लिया, उसके बाद में उसके बाद हमने सेकेंड रो में से बीटा माइनस अल्फा कॉमन निकाला। सेकेंड रो। हाँ अच्छा ओके सर, और थर्ड रो में से गामा माइनस अल्फा कॉमन निकाला। थर्ड रो में से गामा माइनस अल्फा। हाँ, यस सर, यस और सर। फिर उसके बाद जो है अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो हाँ 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 ओके सर हो ओके जाएगा। यस सर। चलिए अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, और इस माइनस वन का स्क्वायर कहाँ से आया सर ये? भाई जो हमारे पास हमने कॉमन जो निकाला था ना, कॉमन तो हमने हाँ बीटा माइनस अल्फा कॉमन निकाला था, पर हमने इसको बाहर क्या लिख दिया, अल्फा माइनस बीटा लिख दिया, तो अल्फा माइनस बीटा लिख रहे हैं तो माइनस वन लिखना पड़ेगा ना बाहर। अच्छा और ऐसे ही अच्छा वो लास्ट बीटा में, माइनस अल्फा से अल्फा माइनस बीटा कर दिया। हाँ सर माइनस वन ओके और लास्ट में हमारे पास गामा माइनस बीटा आया था, पर हम चाहते हैं बीटा यस माइनस सर गामा आए, तो फिर दो बार माइनस कॉमन आया तो इसलिए माइनस वन स्क्वायर हो गया ये। ओके अब बताओ कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्या मैं इसको सम ऑफ टू डिटरमिनेंट लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि वन थर्ड कॉलम है, वन वन प्लस पी एक्स स्क्वायर है, तो बताओ मैं कौन से दो डिटरमिनेंट बना दूं, इसमें क्या लिखूं, थर्ड में तो वन 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 लिख दूं क्या इसमें, और प्लस यहां पे लिखूंगा मैं एक्स वाई जेड, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और अब यहां लिखेंगे पी एक्स क्यूब और पी वाई क्यूब और पी जेड क्यूब। मुझे लग रहा है कि मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ, किसमें से कॉमन निकाल सकते हैं भाई, यस पहला एक्स कॉमन आ सकता है, पी कॉमन आ रहा है इसमें थर्ड कॉलम से पी कॉमन। सर ये सेकंड डिटरमिनेंट है ना, उसमें एक्स वाई जेड तीनों कॉमन आ, तो फर्स्ट रो से एक्स निकाला, सेकंड रो से वाई निकाला, थर्ड रो से जेड निकाला, और थर्ड कॉलम से पी भी निकाल लिया, थर्ड कॉलम से पी भी निकाल लिया। ओके तो जरा बताना यस क्या सर क्या बचा, वन एक्स और क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा क्या, यस सर और सेकंड रो में बचेगा वन वाई और वाई स्क्वायर, और इसमें वन जेड जेड स्क्वायर, ऐसे ही कुछ बचेगा। यस सर अच्छा अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो पहला डिटरमिनेंट मैंने क्यों नहीं लिखा, मैंने इसको एक्सचेंज करना चाह रहा हूँ फर्स्ट कॉलम को और थर्ड कॉलम को, तो अगर एक बार एक्सचेंज करेंगे तो एक बार माइनस साइन आएगा बाहर, वन 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 यहाँ आ गया, बीच में तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आ गया, और यहाँ आ गया एक्स वाई जेड, ठीक है ना। अब फिर से मैं इन दोनों को एक्सचेंज करना चाहता हूँ, कॉलम टू और कॉलम थ्री को, तो बताओ एक और बार माइनस साइन बाहर आएगा, माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और ये क्या बन जाएगा, वन 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 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों डिटरमिनेंट सेम हो जाएंगे, फिर क्या कहते हो,
दोनों डिटरमिनेंट सेम हो जाने के बाद डिटरमिनेंट कॉमन निकाल सकते हैं क्या? यस सर। और डिटरमिनेंट कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास? अरे तो वही सर, सेम टू सेम क्वेश्चन है उसका, एग्जांपल नंबर 15 का वही। अच्छा तो बताओ क्या सर, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। बताओ ये 1 + PXYZ मिलेगा क्या हमें अगर हमने डिटरमिनेंट कॉमन निकाल लिया? हां सर मिल जाएगा। तो हमने लिख लिया 1 + PXYZ, ये कॉमन और डिटरमिनेंट बच जाएगा 1 1 1, दो डिटरमिनेंट की जगह अब एक डिटरमिनेंट हो गया ये। और अब आपको पता है कि सर दो, एक पूरी कॉलम में 1 1 1 होता है तो उनमें दो वन को जीरो बना देते हैं, तो क्या करेंगे बताओ? आर टू चेंजेस टू, बोलो, और आर थ्री चेंजेस टू आर थ्री माइनस आर वन, ठीक है ना? तो जरा बताओ क्या होने वाला है ये 1 + PXYZ, और इसमें पहली रो में तो कोई चेंज नहीं आया, सेकंड रो में क्या हो जाएगा? जीरो वाई माइनस एक्स, और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स लिख देते हैं अपन। और थर्ड रो क्या हो जाएगी? जीरो जेड और जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स हो जाएगा ये। तो हम सेकंड रो में से कॉमन निकाल सकते हैं और थर्ड रो में से कॉमन निकाल सकते हैं। थर्ड रो में मैंने लिखना था जेड माइनस एक्स यहाँ पर, ठीक है? तो जरा बताओ कॉमन निकाल लेते हैं। तो मैं y माइनस एक्स की जगह x माइनस वाई बाहर निकाल रहा हूँ, और z माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया, और 1 + PXYZ तो कॉमन है ही। अब जरा बताओ पहली रो तो 1x x स्क्वायर हो जाएगी, सेकंड रो क्या हो जाएगी? 0 और क्या लिखूं? माइनस वन लिखना पड़ेगा ना, और माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस वन कॉमन और एक्स प्लस वाई, फिर जीरो, और जेड माइनस एक्स की जगह क्या आएगा भाई? वन आएगा, और इधर क्या आएगा? इधर जेड प्लस एक्स आएगा। तो अब इसको किससे खोले? इसको खोल लेते हैं अपन फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट कॉलम से खोलना ठीक रहेगा क्या बच्चों? और एक स्टेप और करना चाहो तो कर सकते हो कि आप है ना थर्ड रो में सेकंड रो ऐड कर दो, या फिर सेकंड रो में फर्स्ट थर्ड रो ऐड कर दो। मानो आर टू चेंजेस टू आर टू प्लस आर थ्री कर दें तो सर, क्या होने? हाँ बोलो सर। सर सर अपन सर डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं सर इसमें। सर अपन को सर तीनों में दो जीरो हो गए, बस एक वन बचा है। हाँ, तो अपन हाँ, सर इसमें कॉलम वन से खोल देते हैं ना सर जल्दी से, तो अपन सर अपन फिर ज्यादा सर अपना टाइम वेस्ट होगा उससे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, पर मैं बता रहा हूँ कि अगर इसको करने से क्या होने वाला है वो मैं पूछने जा रहा हूँ। हमने चेंज किया खाली आर टू में, तो आर थ्री तो कोई चेंज नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो जीरो प्लस जीरो तो जीरो होता है, और वन और माइनस वन ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा जेड माइनस वाई, क्या कहते हो? और अब आप चाहो तो वाई माइनस जेड कॉमन निकाल सकते हो सेकेंड क्या सेकेंड रो से, नहीं तो आप डायरेक्ट कर दो। डायरेक्ट कर देते हैं तो बताना भाई क्या बचा, क्या बचा? एक्स माइनस जेड माइनस एक्स, और 1 + PXYZ, और वन बाहर। अब क्या लिखें? लिखेंगे जीरो माइनस और जेड माइनस वाई, और फिर माइनस जीरो और प्लस जीरो, तो ये हो जाएगा वाई माइनस जेड। तो हम इसको लिखेंगे एक्स माइनस वाई, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और 1 + PXYZ विच इज राइट हैंड साइड। कोई डाउट है क्या? कुछ पूछना है बच्चों इसमें से, क्वेश्चन नंबर 12 में से? 12 हो गया, 13 बताओ कैसे करें? नहीं सर। हाँ हाँ पूछो सर। वो सर लास्ट के सर दो तीन स्टेप सर फिर से बता दो सर, वो हम लेट आए थे ना इसलिए सर वो समझ नहीं आया। ठीक है, तो लास्ट के दो तीन स्टेप्स ये वाले हैं।
सर, 11th नहीं सर, 12th वाला। हाँ 12th वाले में लास्ट कौन सा स्टेप समझना है बताओ सर, यहाँ से बता दो सर। सर वो वाला सर, वो R2 प्लस R3 करा था ना सर, वो क्यों करा आपने सर, वो वाली चीज बता दो। अच्छा लास्ट में हमने ये क्यों किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक और जीरो बन जाए। देखो ये दोनों नंबर अगर ऐड हो जाएंगे तो क्या होने वाला है, जीरो होगा कि नहीं होगा, जीरो। तो और आसान हो जाएगा, इसलिए कर दिया कि और आसान हो जाए, इसलिए करा है, और कुछ ओके सर। ठीक है अब आगे चलें, नया क्वेश्चन करें। यस सर। हाँ चलिए तो अपन चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो अभी तो बज गए हैं 6। तो 13 क्वेश्चन में हम दो तरह से कर सकते थे, या तो C1 changes to C1 plus C2 plus C3 या R1 changes to R1 minus R2 plus minus R3। तो हमने फर्स्ट वाले से कॉलम से करने की कोशिश की है, और उसमें से हमने फर्स्ट कॉलम में से R1 minus R2 minus R3 करेंगे तो ये माइनस बी माइनस सी कन्वर्ट होकर प्लस बी प्लस सी हो जाएंगे, और ये दोनों 2 है, ये -2 है, हो जाए। हाँ जी हाँ जी। तो फिर हमने फर्स्ट कॉलम से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाला, 3 1 आ गए। इसके बाद हम कर रहे हैं R2 changes to R2 minus R1 और R3 changes to R3 minus R1। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहले रो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको मैं ए माइनस ए प्लस बी की जगह बी माइनस ए लिख दिया, इसको मैंने सी माइनस ए लिख दिया, नीचे क्या लिखा, जीरो। अब इसको जरा सब्ट्रैक्ट करो, 3b में से माइनस ए प्लस बी गया तो हो जाएगा 2b और प्लस ए, क्या कहते हो। ऐसे ही माइनस बी प्लस सी, और उसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया माइनस ए प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी, क्योंकि c से c कट जाएगा। और थर्ड रो में 1 माइनस 1 तो 0 आ जाएगा, और माइनस सी प्लस बी, फिर माइनस माइनस ए प्लस बी, तो फिर माइनस बी प्लस बी कट जाएंगे और रह जाएगा ए माइनस सी। ऐसे ही 3c में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम माइनस माइनस ए माइनस सी, तो क्या हो जाएगा भाई, सी से सी कटेगा एक, तो 2c प्लस ए बचेगा, क्या 2c प्लस ए बचेगा ना, ये हो जाएगा भाई। अब आप इसको एक्सपैंड करना चाहो तो एक्सपैंड कर सकते हो, और हमको याद रखना है कि हमने a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाला था, ये भूलना नहीं है। तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन, और अब आपने फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड कर दिया तो 1 बाहर, और इसका माइनर लिख देंगे 2b प्लस ए, ए माइनस बी, ए माइनस सी, 2c प्लस ए, और बाकी दोनों टर्म तो 0 होंगे, ठीक है। और अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है, और देखो हमें लाना क्या है, लाना है ये a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लिया था 3, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये अपने आप आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। तो चलो करते हैं इसको, तो a प्लस बी प्लस सी बाहर है और हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 2b प्लस ए और मल्टीप्लाइड बाय 2c प्लस ए और माइनस a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, ब्रैकेट क्लोज। चलो और सिंप्लीफाई करो तो आंसर की तरफ एक और स्टेप बढ़ जाएगा। इसको हम दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2b से, तो हो जाएगा 4bc, फिर 2b को a से करेंगे तो हो जाएगा 2ab, फिर आएगा a को 2c से करेंगे तो 2ca, और फिर a को a से करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर। अब ये माइनस ए है, माइनस ए को पूरे ब्रैकेट से करो, तो माइनस ए को ए से किया तो माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए को माइनस सी से किया तो प्लस ए सी। अब माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस बी, तो प्लस बी को ए से करो तो प्लस ए बी, और प्लस बी को हमने माइनस सी से किया तो माइनस बी सी हो गया। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, लाइक टर्म्स ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी वापस कॉपी किया तो 4bc। अब माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट रहा है यहाँ पर, है कि नहीं, तो जरा बताओ 4bc में से 1bc गया तो 3bc रह गया, ऐसे ही 2ab प्लस ab कितना 3ab हो गया, और लास्ट में 2ca प्लस ac क्या हो जाएगा 3ca हो जाएगा।
इन सब में से थ्री कॉमन निकाल लिया और आंसर आ गया थ्री ए प्लस बी प्लस सर 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 हाँ बोलो ए बी प्लस बी सी सर हाँ बोलो